खबर सीधा आप तक। रानीगंज बाजार क्षेत्र में अगर बोले तो दो पेट्रोल पंप है, आप सभी जान रहे हैं। एक एचपी पेट्रोल पंप है, उसके बाद एक पेट्रोल पंप है इंडियन पेट्रोल पंप। दोनों पेट्रोल पंप फारबिसगंज वाली रोड में पड़ता है। आपको बता दें, काली मंदिर से आगे जो फारबिसगंज वाली रोड गई है, उनके रोड में दो पेट्रोल पंप है, मतलब एक किलोमीटर के दायरे में दो पेट्रोल पंप है। लेकिन लगातार ये पांचवा दिन है, पांच दिन होने को हो चुका है, लेकिन इंडियन पेट्रोल पंप पांच दिन से पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं है, जिसको लेकर देख रहे हैं जनता काफी परेशान है। और एक पेट्रोल पंप है एचपी पेट्रोल पंप, जो कि फारबिसगंज वाली रोड में पश्चिम साइड में पड़ता है। इनपे पांच दिन से लगातार सैकड़ों में मोटरसाइकिलों की भीड़ देखने को मिलता है। और इन जो एचपी पेट्रोल पंप के जो मालिक है, उनसे हम जानते हैं कि उनमें ऐसा क्या खासियत है कि पांच दिन से इंडियन पेट्रोल पंप के जो मालिक है, उनको अभी तक पेट्रोल डीजल की किल्लत दिख रही है, लेकिन जो एचपी पेट्रोल पंप के जो मालिक है, उनके पास ये पेट्रोल डीजल कहां से उपलब्ध वो करा रहे हैं। उनकी सूझबूझ की जो दिमागी है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे इन पर उनका क्या कहना है। आइए अब हम जानते हैं एचपी पेट्रोल पंप के जो मालिक है, हालांकि ये एक राजनेता भी जाने जाते हैं क्षेत्र में, ये जन अधिकार पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और जन अधिकार पार्टी के अररिया जिला के इनको एक बहुत बड़ा कमान दिया गया है। इन्हें अररिया जिला में राष्ट्र अध्यक्ष जो पद होता है, इन्हें अध्यक्ष पद पे मनोनीत किया गया है, जो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी। सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी ने इनको पद दिया अररिया में इनको पद दिया और इनको अध्यक्ष पद दिया है, जो अररिया जिला के लिए इनके लिए बड़ी बात होती है। तो जिला का अध्यक्ष होना बहुत बड़ी बात होती है, चाहे पार्टी कोई भी रहो, ये मायने नहीं रखती है। सर, हम आज आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो ये एचपी पेट्रोल पंप है, जिनमें पांच दिन से लगातार भीड़ देखने को मिल रहा है, लेकिन आपके ही बगल के एक पेट्रोल पंप है, उनको पेट्रोल डीजल की किल्लत नजर आई, इस पे आप कहां से पेट्रोल इतने उपलब्ध करा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमको तो जनता से बहुत लगाव है। हमने ये देखा, हमारे मौसा झूमर लाल बैठा जी जब वो राजनीतिक में सक्रिय थे, रक्षा मंत्री थे, खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, पेट्रोलियम कन्वेंशन थे, इसके बाद रेलवे का वो चेयरमैन रह चुके हैं। हम लोग उसी परिवार के हैं और हमने हर रोज, हमारे पूर्वज जनता के सेवा में लगे रहते। हम जब ये रोजगार जब खोले हैं तो हमको डीजल पेट्रोल जहाँ से मुहैया हो, जैसे भी हो, हमको जनता को सेवा के रूप में देना है। जनता आज जो है पांच दिन से ट्राई। धन्यवाद। ये थे एचपी पेट्रोलियम पंप के मालिक। आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर।